आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। योग भले ही अब अंतरराष्ट्रीय हो चुका हो, लेकिन इसकी आत्मा में भारत है। योग को लेकर आज हमारी विशेष कवरेज होगी। कहते हैं तन मन से रोगों को दूर करो ना, योगा करो ना। अपने जीवन शैली में योग के महत्व को समझने और समझाने के लिए हम सीधे जाएंगे प्रियंका के पास, प्रियंका दयाल के पास, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, योग गुरु। उनसे हम जानेंगे किस तरीके से योग करना चाहिए और आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों को खास तौर पर योग शक्ति का एहसास कराएंगी प्रियंका दलाल। सीधे प्रियंका दलाल के पास चलते हैं। प्रियंका, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है तो योग दिवस की आपको बधाई। योग गुरु आप हैं और योग का ज्ञान लोगों को आप देती हैं। सबसे पहले मैं आप बचाऊंगी, आप कोई भी योग आसन करें उससे पहले दर्शकों को पहले योगा की इंपॉर्टेंस बताइए, कितना महत्वपूर्ण है योग करना किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। जी बिल्कुल। नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका दयाल और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं योग दिवस पर। जैसा कि हम देख सकते हैं आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा देखते हुए इतना स्ट्रेस बढ़ चुका है और हमें लोग चाहते हैं कि हम बीमारियों से कोसों दूर रहें और कोरोना के टाइम पे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो चुका है। बिल्कुल। तो हम यानी कि काफी दिक्कत है प्रियंका, और जो बात आप कर रही हैं अब की बात खासकर अभी क्या है क्योंकि कोरोना का समय भी चल रहा है, वो स्ट्रेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को कुछ ऐसे योग आसन बताएं जो कि वो आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट भी ना हो लेकिन वो कर पाए, क्योंकि कई बिगनर्स भी होंगे जो कि आपको देख रहे होंगे और योग करने में जब लोग खासकर एक्सरसाइज करते हैं या फिर योग करते हैं तो दिक्कतें होती है। तो मैं चाहूंगी कुछ योगासन जो है आप हमारे दर्शकों को सिखाइए। जी बिल्कुल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ एक प्राणायाम से। पहले सबसे पहले हम एक सुख व्यायाम में बैठ जाएंगे जिसे कहते हैं हम सुखासन, और हम अपने पैरों को क्रॉस करके हाथों को अपने घुटनों पर रखिए और धीमे धीमे सांस लेते हुए आंखें बंद करिए। और अपनी सांसों की गति को मेंटेन करिए। हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए अब बिल्कुल रेडी हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम सूर्य नमस्कार से अपना योग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपने मैट के कॉर्नर पे आके और अपने पहले स्टेप में हम अपने हाथों को ऐसे जोड़ेंगे और दूसरे स्टेप के लिए हम अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और जितना पीछे जाएंगे उतना ही अच्छा है। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने पांव के साथ रखिए और अपने एक पैर को पीछे ले जाइए। अब दूसरे पैर को पीछे ले जाइए और एक पर्वत आसन में आ जाइए। अगले आसन में हम घुटने को नीचे टिकाएंगे, अपने चेस्ट को नीचे टिकाएंगे और सीधे लेट जाएंगे। अपनी छाती को ऊपर उठाते हुए इनहेल करेंगे। दूसरे आसन में हम अपने पंजों को अपने अंदर की साइड धकेलेंगे, अपने चेस्ट को अंदर धकेलेंगे और अपना वही पैर आगे रखेंगे। सांस लीजिए और यहां सांस छोड़िए। वापस से पीछे जाएंगे इनहेल करते हुए और ये हमारा 12 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार ऐसे करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका, ये सूर्य नमस्कार हुआ शुरुआत, अगर हम योग की कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे आपने बताया, लेकिन स्ट्रेस को दूर करना है, खासकर मोटापे की अगर हम बात करते हैं तो अक्सर लड़कियां क्या लड़के भी इसको लेकर परेशान रहते हैं। कुछ ऐसे योग आसन बताइएगा जिससे कि मोटापे से दूर रह सकते हैं, स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, जो कि जो योग आसन ऐसे हो जो कि हम डेली कर सकते हैं, डेली हमें करने चाहिए। जी बिल्कुल।
हम जैसा देख सकते हैं आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है और अपनी लाइफ के अंदर अभी हम नई चीज़ें अगर शुरुआत कर रहे हैं तो हमें मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रही बात आपने कहा कि मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये एक सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जो हर चीज़ में हमें मदद करेगा, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो यंग एज के लिए हो, चाहे वो बड़ों के लिए हो। बिल्कुल प्रियंका, कुछ और योगासन मैं चाहूंगी आप दर्शकों को दिखाएं ताकि दर्शक उन्हें देख के सीख पाएं और कर पाएं। जी बिल्कुल, तो हम नेक्स्ट आसन हम करेंगे, पहले हम अपने वज्रासन में बैठ जाइए, अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखिए और यहीं पर थोड़ी देर रिलैक्स करिए। आंखें बंद, अपनी सांसों की गति को मापिए और धीमे धीमे सांस अंदर लीजिए, धीमे धीमे सांस बाहर निकालिए। ऐसा आप 2 से 3 मिनट करने के बाद अपने सुख आसन में बैठ जाइए। डेली स्ट्रेचेस जिसे कहते हैं कि हमें बॉडी में हर एक मूवमेंट हमारी बॉडी पार्ट की होनी चाहिए, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं अपने डेली स्ट्रेचेस से तो आइए मेरे साथ फॉलो कीजिए। अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने पर रखिए और अपना दाएं हाथ ऐसे उठाते हुए कान के पास लाते और हल्का सा बेंड कीजिए। वापस आइए और ऐसा ही दूसरी साइड करना है हमें। अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट घुटने पर रखिए और अपना बायां हाथ उठाते हुए कान के पास लाइए, जितना आप जा सकते हैं। जैसा कि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं बिगनर्स के लिए, तो अगर हम इस व्यायाम को अगर करते हैं तो 3 से 4 बार आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों साइड करना है हमें, दोनों साइड इक्वली इम्पॉर्टेंट है बॉडी को मेंटेन करना। एंड ये जितना भी अगर पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं शुरुआत में तो आपको साइड में पेन आ सकता है, बट अगर आप स्टार्ट करते हैं 2 से 3 बार अगर आप इसको करते हैं तो आपकी मेंटेन रहेगा। बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि पेन की आपने बात की, यहाँ पर कई बार हम ऐसे देखते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं अक्सर, बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर कई यंगस्टर भी होते हैं जिनके बैक में पेन रहता है, उसके बाद भी योगा वो करना चाहते हैं, कई बार एक्सरसाइज वो करना चाहते हैं लेकिन वो एक्सरसाइज वो कर नहीं पाते। अगर पेन है या फिर तमाम ये और चीज़ों से कोई पर्सन जूझ रहा है, बुजुर्ग हो या फिर कोई यंगस्टर भी हो, तो फिर किन चीज़ों से योग करने में उन्हें बचना चाहिए या फिर कौन से योगासन उन्हें करने चाहिए जिनसे कि इन समस्याओं से उन्हें निजात मिल पाएगा, खासकर बैक पेन की जो समस्या है वो हम देखते हैं अक्सर बुजुर्गों में। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं आजकल योगा जो हम करने लगते हैं हमने देखा और हम स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं हमें ये रह जाता है कि हमें आसन करते वक्त भी हमें पेन रहता है और अगर वो पेन अगर हम नहीं मिटा पा रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। जैसा कि हम इस आसन में देख सकते हैं, अपनी राइट साइड बैठ जाइए और सीधे बैठिए, कमर सीधी, अपनी हाथों को सीधा रखिए और इनहेल करते हुए ऊपर की ओर जाइए, एक्सहेल करते हुए नीचे आइए। यहीं पर ही रेस्ट करिए और ऊपर जाइए, हाथों को वापस नीचे लाइए। अगर हम देखते हैं कि हम ये आसन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बैक में पेन है और हम फिर भी कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि ये आसन जो हमारी बैक पेन के लिए स्पेशली बना हुआ है पर हमें ऊपर की ओर पेन दे रहा है, हमारे फ्लेक्सिबिलिटी होने के बावजूद भी हमें पेन देता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने वज्रासन में आके ऐसे बैठिए और अपने हाथों को ऊपर ले जाइए और इनहेल करते हुए नीचे आइए। यहीं पर ही थोड़ी देर रिलैक्स करिए, जिसे हम कहते हैं बाल आसन। ये हमें बैक पेन से रिलीफ देता है और हमें कमर की प्रॉब्लम में लोअर बैक हो चाहे अपर बैक हो बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि अगर गलत तरीके से योगा हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उल्टा इम्पैक्ट उसका पड़ता है। जाहिर तौर पर कोई भी चीज़ गलत तरीके से करेंगे तो उसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा।
क्योंकि जब हम योगा करते हैं और कई बार हम भी ये पढ़ते हैं, जब एक्सहेल किया जाता है सांस को, इनहेल किया जाता है यानी कि सांस ली जाती है, छोड़ी जाती है, उसको रोकने का समय, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है योगा जब हम करते हैं, एक्सरसाइज जब हम करते हैं, इसलिए कि कोई भी चीज जो है, कोई भी योगा जब हम कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट उतना ही हो जितना हम चाहते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी बिल्कुल, जब भी हम सांस लेते हैं ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी ओपन हो रही है, लंग्स हमारे एक्सपैंड कर रहे हैं, उसी टाइम पे हमें, जब भी हम सांस ले रहे हैं, तो अगर हम इस आसन में बैठे हैं और अगर हम अपनी ओपनिंग कर रहे हैं, लंग्स की ओपनिंग कर रहे हैं, तो हमें सांस लेनी चाहिए, और जब हम डीप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तब हमें सांस छोड़नी चाहिए, तो ये है। बिल्कुल, यानी कि इसका खास ध्यान रखना होगा। प्रियंका, चूंकि कोरोना काल चल रहा है और ये अक्सर हम देखते हैं कि कितनी दिक्कतें हैं लोगों के साथ, लोग कितने डरे हुए हैं, और ऐसे में लोगों से जो बन पा रहा है लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज हो वो भी कर रहे हैं, योगा है वो भी लगातार लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे योगासन हमें बताइएगा जिससे कि लोग अपने आप को फिट रख सके इस कोरोना काल में, ज्यादा पेन भी उन्हें ना लेना पड़े, और कुछ ही योगासन ऐसे हों काउंटिंग में कि वो डेली उसे कर पाए। जैसा हमने शुरुआत में अभी सूर्य नमस्कार किया, अगर हम ये आसन सूर्य नमस्कार को अगर हम 5 से 6 बार स्टार्ट करते हैं, धीमी गति में ही करेंगे, इनहेल करते हुए अपने अपने अंगों को, जब भी हम ओपन कर रहे हैं, अपने लंग्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, आपको ध्यान रखता है, तभी हम इनहेल करेंगे, और अगर हम डीप में हैं तो हम एक्सहेल करेंगे। और रही बात, अगर हम 5 से 10 मिनट भी अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो हमारी पूरी दिनचर्या में से बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि सूर्य नमस्कार जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और ज्यादा अगर सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो फिर पूरी बॉडी जो है वो आपकी हर पार्ट की एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार से होती है। इससे इतर अगर प्रियंका हम बात करें सूर्य नमस्कार से हटकर, तो कुछ और योगासन हो जो कि आप दर्शकों को बताना चाहें, जो कि दर्शक इस वक्त क्योंकि आपको देख रहे हैं आपसे सीख पाए। जी बिल्कुल, हम नेक्स्ट आसन हम करेंगे, आजकल हम देख सकते हैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस है और मेंटल की इतनी प्रॉब्लम बन रही है, तो अगर हम इस आसन को प्रैक्टिस करेंगे तो हम बिल्कुल निजात पा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम से। अपने राइट हैंड लीजिए, 2 फिंगर को फोल्ड कीजिए और अपने अंगूठे को यहाँ रखिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल कीजिए, आंखें बंद रहेंगी और दूसरी नॉस्ट्रिल से छोड़िए, सांस लीजिए वहीं से ही और दूसरी साइड से छोड़िए। ये प्रैक्टिस को आप 4 से 5 बार ही कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी में आराम मिलता है, दोनों साइड इक्वल बैलेंस रहता है और हमारे लंग्स को एक्सपैंड होने में भी मदद करता है। प्रियंका, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं योग का ही यहाँ पर, और कई बार ऐसा होता है कि हम योग करना चाहते हैं और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं योग को लेकर कि सारा का सारा आज ही पूरा कर दो, तो एक टाइम बैलेंस जो है वो कितना महत्वपूर्ण है योग करने के लिए भी। कई बार ऐसा होता है कि हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक ही दिन में सारा करना चाहते हैं, तो डेली डेली टाइम देना या फिर एक साथ इसको करना कितना खतरनाक भी हो सकता है, कितना बेहतर भी हो सकता है, ये ज्यादा बेहतर आप बता सकती हैं, बताएगा। जी बिल्कुल, अगर हमें इतना ज्यादा मोटिवेशन है, हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम मेंटेन करना पड़ेगा हमें टाइम को भी। सबसे पहले इसे अगर आप सुबह सुबह खाली पेट स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि हमें खाली पेट ही करना है ये। और रही बात इसको कितने समय के लिए करने के लिए, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, और अगर आप ज़्यादा इसको करना चाहते हैं तो 1 घंटे तक भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमें बॉडी को दर्द देना है, अगले दिन हम उठ नहीं पा रहे हैं और हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे अगले दिन के लिए। बिल्कुल प्रियंका, आजकल इस कोरोना काल में अगर खासकर बात की जाए, पहले तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए ये लगातार डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, इसके साथ इम्यूनिटी जो है अपनी बूस्ट कीजिए। इम्यूनिटी बूस्टर मार्केट में अवेलेबल है वो हम देख रहे हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से योग करके हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन से योगासन करने चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी
लंग एक्सपेंशन के मैं आपको आसन कुछ बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ फॉलो कीजिए और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखिए। पहला आसन है हमारा वज्रासन, जिसके अंदर हमें अपने हाथों को आगे की तरफ रखना है और सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, सांस छोड़िए। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए और ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को एक इक्वल पेस पे लेके आना है, सांस लेते रहिए और सांस छोड़ते रहिए। दूसरे आसन के लिए हमें ऐसे बैठ जाना है, अगर हम यहां से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अपना लेफ्ट हैंड उठाइए और अपने कान के पास लाके राइट की तरफ जाइए। ऐसा ही हम दूसरी साइड करेंगे, अपना राइट हैंड उठाइए एंड लेफ्ट साइड जाइए। इनहेल करेंगे तो हम डीप जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। अगला आसन है हमारा भुजंगासन, जिसमें हमें पेट के बल लेट जाना है। अपने हाथों को छाती की साइड पे रखिए, सांस लीजिए और ऊपर की ओर उठिए। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए, इनहेल कीजिए, ऊपर की ओर उठिए। एक्सहेल कीजिए, नीचे की ओर आइए। अगले आसन में हम अपने शोल्डर के नीचे अपने हाथों को रखेंगे और अपने घुटनों को हिप्स के नीचे। इनहेल करते हुए अपने पेट को नीचे की तरफ धकेलेंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ। एक्सहेल करते हुए आप अपने पेट को अंदर की तरफ धकेलेंगे और ये प्रैक्टिस करते हुए आप 20 से 30 बार इस प्रैक्टिस को करिए। बिल्कुल, इस आसन में रेस्ट कीजिए। बिल्कुल, तो इस तरीके से ये आसन करना है जैसा कि प्रियंका दलाल बता रही हैं, योग गुरु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और निश्चित ये जो आसन है वो आपको काफी फायदा देंगे और इस योग दिवस पर आपको योग करना चाहिए।